ऐसी नेचुरल डाई आप घर पे बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। जैसे कि आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ, ये देखिए नेचुरल तरीके से आप अपने सफ़ेद हो रहे बालों को काला कर सकते हो। प्री मैच्योर ग्रेइंग हेयर की प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए बहुत मैंने इतने सारे रेमेडीज़ यूज़ किए, अब आधे बाल देखिए आप अभी भी काले हैं, और जो थोड़े बहुत ग्रे हेयर हैं उसका हम निवारण करने वाले हैं। तो इस रेमेडी को फ्रेंड्स, आज की रेमेडी मैं आप लोगों के साथ लाइव में शेयर करने वाली हूँ। लाइव दिखाऊंगी कि किस तरह से आप अपने बालों पे इसे लगाएंगे, सफ़ेद बालों पे, तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होने वाली है। वैसे तो आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि दीदी आप मुझे लाइव करके बताएं। देखिए हमने हमेशा आप लोगों के साथ में लाइव रिजल्ट ही शेयर किए हैं। अगर प्री मैच्योर ग्रेइंग हेयर की प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम सॉल्व होती है कैसे, और सफ़ेद बालों पर इसे लगाएंगे तो और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपको क्या करना है, लोहे का पैन लेना है, लोहे की कढ़ाई ले लीजिए, लोहे का पैन ले लीजिए, तवा ले लीजिए, कोई भी कुछ भी, लेकिन लोहे का ही लेना है आपको। यहाँ पे देखिए मैंने गैस के फ्लेम को ऑन रखा है, पानी की सरसराहट की इस तरह से आवाज़ आ रही है आपको, तो आपको एक कप यहाँ पे पानी ऐड कर देना है। इस रेमेडी को बिल्कुल इस तरह से बनाएंगे तो आपके बालों को, सफ़ेद बालों को तुरंत इंस्टेंटली डाई आप कर सकते हो। आप मार्केट के जो महंगे महंगे डाई यूज़ करते हो ना, वो लगाना आप भूल जाओगे। तो हमने यहाँ पे वाटर ऐड किया है, पानी को सबसे पहले आपको गर्म करना है। जितनी भी प्रोसीजर बताऊंगी बिल्कुल इसी तरह से करिएगा। अभी मैंने गैस के फ्लेम को ऑन किया है, फास्ट किया है, ठीक है, यहाँ पे ताकि पानी अच्छे से बॉईल हो जाए। बॉईल होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे, देखिए पानी इस तरह से बॉईल होना शुरू हो गया। मैं यहाँ पे ले रही हूँ देखिए आंवला का जूस, आप फ्रेश आंवला जूस भी ले सकते हैं। आप कहते हैं आपको आंवला नहीं मिलता है तो पतंजलि की आंवला जो है आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। इस तरह से पानी गर्म हो चुका है, अब आपको इसमें 1 से 2 बड़े चम्मच आंवला के जूस का इस्तेमाल करना है। आप लोगों के ऐसे कमेंट्स आते हैं कि आंवला हमें फ्रेश नहीं मिलता, तो आंवला जूस आप ज़रूर लेकर आएं। इसका देखिए सेवन भी मैं रोज़ सुबह करती हूँ, आंवला और एलोवेरा, मैं इन दोनों को मिक्स करके गर्म पानी के साथ में लेती हूँ, तो काफ़ी अच्छा मुझे रिजल्ट मिला। मेरे बाल देखिए आप लोगों को पता है कितने काले हैं और बिल्कुल भी सफ़ेद नहीं हुए हैं। तो पानी के अंदर इस तरह से आपको ये बॉईल करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को दोनों बता देती हूँ, इस तरह से पतंजलि का एलोवेरा जूस और आंवला जूस मैं यूज़ करती हूँ, जिससे कि मेरे बाल अभी भी काले बने हुए हैं। देखिए इंटरनली भी आप काम करिए, मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रही हूँ ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे यहाँ पे कॉफ़ी का आंवला पाउडर, आंवला जूस हमने इसमें ऐड कर दिया। अब आप लोगों के ऐसे भी कमेंट्स आते हैं कि मतलब आंवला का जूस ना हो तो पाउडर चलेगा क्या? जी हाँ, पाउडर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि ये आंवला जो होता है ना विटामिन सी होते हैं, इसीलिए हमारे बालों को देखिए आप कढ़ाई का कलर देखिए एक साइड से कैसे ब्लैक हो रहा है। तो ये न्यूट्रिशन हमारे बालों में जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि सफ़ेद बालों की समस्या है। आप इस तरह से यहाँ पे देख सकते हो कलर किस तरह से कढ़ाई का चेंज हो रहा है, दैट मीन्स यही वर्क करता है हमारे बालों पे। अब मैं यहाँ पे कॉफ़ी यूज़ करने वाली हूँ, तो आपको कॉफ़ी ले लेना है 1 चम्मच, 1 बड़े चम्मच आपको कॉफ़ी, आप किसी भी ब्रांड का यूज़ करते हो, मैं यहाँ पे नेस्कैफे यूज़ करती हूँ, तो आप यहाँ पे कॉफ़ी का यूज़ ज़रूर करें। पानी बॉयल हो रहा है, आप गैस के फ्लेम को एकदम कम कर देना है, ठीक है। हमने इतना बॉयल कर लिया, गैस को कम करना है फ्लेम को, और 1 चम्मच के तकरीबन आपको इस तरह से कॉफ़ी ऐड कर देना है, ठीक है। हमने यहाँ पे कॉफ़ी ऐड किया है क्योंकि ये बहुत अच्छे से कलर देती है, सफ़ेद बालों के लिए रामबाण है दोस्तों ये रेमेडी, और नेचुरल तरीके से आपके बाल काले होंगे। आपको कोई बाजार की डाई लगाने की ज़रूरत नहीं। एलोवेरा का लीफ देखिए ऑनलाइन मिल जाता है, मैंने यहाँ पे एल्प्स गुडनेस के लिए एलोवेरा लीफ आपको मिल जाएगा। आप यहाँ पे एलोवेरा जूस का भी यूज़ कर सकते हो, या फिर उनके पत्तों का जो ये पाउडर मिलता है उसका भी आप यूज़ कर सकते हो। तो 1 टेबल स्पून आपको यहाँ पे एलोवेरा लीफ इसमें ऐड करना है। ये एंटी फंगल, एंटी इन्फ्लेमेटरी होने की वजह से हमारे बालों के जो स्कैल्प में इन्फेक्शन होती है, खुजली होती है, छोटे छोटे जो दाने होते हैं उनसे दूर करने के लिए बहुत अच्छा काम करती है। बालों को मॉइस्चराइज प्रोवाइड करती है, बालों की ग्रोथ को प्रमोट करती है, स्कैल्प के पीएच को मेंटेन करती है। इसीलिए मैं यहाँ पे एलोवेरा के पाउडर का यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। आपके बालों को स्मूथ, सिल्की और स्ट्रांग बना देती है। तो इस तरह से आपको देखिए इस वाटर में आपको यूज़ करना, देख सकते हो आप कलर, ठीक है, आपके सामने ही है। इसमें सबसे मेन इंग्रेडिएंट मैं आज यूज़ करने वाली हूँ वो है पोटैटो पाउडर। देखिए आपको पोटैटो का पाउडर मिल जाए तो आप ले लीजिए, या फिर आप यहाँ पे पोटैटो का जूस भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन मैंने आप लोगों को दिया है। मैं 1 चम्मच के तकरीबन यहाँ पे पोटैटो का इस तरह से पाउडर यूज़ कर रही हूँ। इस रेमेडी को आप बिल्कुल इसी तरह से बनाइएगा,
और अच्छी तरह से देखिए इसे आपको मिक्स कर लेना है, एकदम लम्स फ्री बनाना है। अभी आप देखो आपका इंग्रेडिएंट जो कंसिस्टेंसी है ना, ये कैसे बन के रेडी होता है। ये बहुत अच्छा है दोस्तों, अगर आप अपने बालों को ना नेचुरल तरीके से काला बनाना चाहते हो, नेचुरल डाई बना के लगाना चाहते हो घर पे ही, तो ये रेमेडी सबसे परफेक्ट है। गैस के फ्लेम को मैंने बंद कर दिया, आपके सामने ही देखो एक नेचुरल डाई बन करके रेडी हो चुका है, जो कि आप अपने सफ़ेद बालों पे लगाएं या फिर प्री मैच्योर ग्रेइंग हेयर पे लगाएं। पोटैटो में ना बहुत अच्छे से एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि हमारे बालों को काला बनाते हैं, बहुत से लोग इसका यूज़ कर रहे हैं दोस्तों और अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। मैं खुद इसे यूज़ कर रही हूँ, मुझे अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर रही हूँ ताकि आप लोगों को भी इसका रिजल्ट अच्छा मिले और नेचुरल तरीके से आप अपने बालों को काला बना सकें। लम्स फ्री बनाना है इन सारी चीज़ों को। ये देखिए इस तरह से ये रेमेडी हमारी रेडी होती है। तो चलिए अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं और इसे अप्लाई करेंगे अपने बाल। इस तरह से एक बाउल ले लीजिए, ये देखिए आपकी रेमेडी एकदम अच्छे से ठंडी हो जाए, ये देखिए। इसके बाद आप इसे अपने बालों पे अप्लाई करेंगे, ये देखिए कितना अच्छा डार्क कलर आपको मिल गया है, ये देखो बस। चलिए इसे अप्लाई। तो फ्रेंड्स देखिए हमने ये नेचुरल डाई बना करके रेडी कर लिया है। आप क्या करना है, किसी भी ब्रश के हेल्प से आपको ऐसा ब्रश ले लेना है, फ्लैट ब्रश, ठीक है। आप अपने बालों पे इस तरह से इसका एप्लीकेशन लगाना शुरू कर दीजिए। और आपको कब तक लगा के रखना है, कौन सा एज ग्रुप है, वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो ये एज ग्रुप है 35 से लेके 40 ईयर्स के लिए, ठीक है। आप अगर 50 to 65 या 70 के हैं तो भी आप इसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आप क्या करना है, यहाँ पे अच्छी तरह से इसे प्लेस कर देना है। देखिए जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, बिल्कुल इस तरह से कवर करना है आपको अपने बालों पे। ये जो नेचुरल तरीका होता है इससे हमारे बाल ना बहुत अच्छे से काले हो जाते हैं, सफ़ेद बालों की समस्या तो दूर होती है। साथ ही साथ जो आपके बाल नए बाल आने के लिए बहुत अच्छा हेल्प करते हैं, अच्छी हेयर ग्रोथ होती है आपकी। तो इसे अच्छी तरह से आपको इस तरह से अप्लाई कर देना है, ठीक है, जैसे कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और साइड में कान अक्सर देखा जाता है, पुरुषों के जो मेंस होते हैं उनके जो बाल होते हैं कान के आसपास जो है वो वाइट होना शुरू हो जाते हैं कुछ इस तरह से। तो इस रेमेडी को अगर आपने यूज़ किया ना तो आपको ये 100% रिजल्ट देंगे। इसे हफ्ते में एक ही बार यूज़ करना है, दैट मीन्स महीने में अगर आपने इसे दो बार इस रेमेडी को लगा लिया तो बहुत ही अच्छी तरह से ये वर्क करेंगे। आप देखोगे कि आपके जो सफ़ेद बाल प्री मैच्योर ग्रेइंग हेयर है ये सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होना शुरू हो जाएगी। जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा कि मॉर्निंग में आप एलोवेरा और आंवला का जूस का इनटेक ज़रूर करें, उससे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी दूर होती है और बाल हमारे जो है ना वो इस तरह से काले भी बने रहते हैं। तो आगे का पोर्शन हो चुका है, सॉरी पीछे का पोर्शन हो चुका है, इस तरह से हमने कवर कर लिया है। ये देखिए अब हम आगे की तरफ चलते हैं। तो अब चलिए आगे की तरफ भी आपको इस तरह से अप्लाई कर लेना है। अब ये वन टाइम इस रेमेडी को बना करके इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अच्छी तरह से आप पूरे बालों पे लगा सकते हैं। पूरे बालों पे लगाने का मतलब ये होता है कि मीन्स आपके जो बाल है ना वो काले बने रहे, बाकी के जो बाल हैं और जो सफेद बाल हो चुके हैं उससे ये प्रिवेंट करेगा, ठीक है। इसे रूट पे अच्छी तरह से आपको अप्लाई करना है। ये देखिए हमारी जबरदस्त कमाल की रेमेडी हमने रेडी कर ली है और इसे हमने प्लेस कर दिया है। अब इसे छोड़ना कितना टाइम है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। कम से कम आधे घंटे के लिए इसे अपने बालों पे लगा रहने दीजिए और आधे घंटे के बाद ही अपने बालों को वॉश करिएगा हेयर को। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को, ऐसे बहुत सारे यूज़फुल वीडियोज़ एंड DIYs देखने के लिए।